हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित मजगोत्रा एंड आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपको पता चलेगा कि पीआर अगर चाहिए कनाडा की तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है अल्बर्टा एंड ओंटारियो की पीएनपी के लिए। क्योंकि आप लोगों को अल्बर्टा और ओंटारियो के बारे में बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कोई बोल रहा 300 पॉइंट में आपको मिलेगी अल्बर्टा की पीएनपी, 400 पॉइंट में आपको मिलेगी ओंटारियो की पीएनपी। ये क्लिकबेट होती है, वो चाहते हैं कि वीडियो इधर उधर वायरल हो जाए दिखे, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं कि आपको इतने कम पॉइंट में कोई पीएनपी लेके चली जाए, पीआर दे दे आपको, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको देता रहता हूँ ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन, आप दे सकते हो और भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर। तो पहले तो ये समझो पीएनपी में अप्लाई कौन करता, पीएनपी में वो बंदा अप्लाई करता जिसका एक्सप्रेस एंट्री में नहीं हो रहा, सिंपल। ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको पता आजकल 470 से ऊपर पॉइंट्स चाहिए, 470 प्लस, तो अगर आपका नहीं होता तो आप पीएनपी के लिए जाते हो। लेकिन आपको लोग मिसगाइड करते हैं कि सभी पीएनपी में अप्लाई कर दिया जी, आपका किसी एजेंट के पास जाते हो बोलते सभी में अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। देखो होता क्या है, प्रोसेस क्या है, जब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हो ना तो वहां पे ऑप्शन आती है पीएनपी कौन सी में आप इंटरेस्टेड, कंसेंट देना होता है इंटरेस्टेड किसमें हो, मतलब इंटरेस्ट शो किया है कि मैं कल को इनमें से किसी भी प्रोविंस में सेटल हो सकता हूँ, लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया, इंटरेस्ट शो करा है। अप्लाई अलग से होता है, हर पीएनपी के लिए हर प्रोविंस का अपना अपना पोर्टल है जहां पर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करके अप्लाई करना होता है। ठीक है, सस्केचवन का अलग पोर्टल है, मैनिटोबा का अलग है, हर पीएनपी के लिए अलग अलग पोर्टल्स हैं, लेकिन अल्बर्टा और ओंटारियो का अपना कोई पोर्टल नहीं है। अल्बर्टा और ओंटारियो का अपना कोई पोर्टल नहीं है तो कैसे ये लोग आपको बोल देते हैं जी इतने में आपका अप्लाई कर देते हैं, इतने में आपका दिलवा देते हैं। अल्बर्टा और पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री से आपकी प्रोफाइल उठाते हैं खुद, अगर वो इंटरेस्टेड हैं आपके स्किल में। अगर आपको अल्बर्टा और ओंटारियो की चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपको स्किल की वजह से मिलने वाली है, एक्सपीरियंस की वजह से मिलने वाली है, और वो भी वहाँ भी कंपटीशन तो है, उनको इंटरेस्ट आया तो वो आपको एनओआई देंगे, विच इज नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, फिर आप बताओगे कि हाँ जी मुझे इंटरेस्ट है, आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, फिर आपको वहां से पीआर मिलती है। लेकिन यहां भी पॉइंट्स में कंपटीशन तो है, मान लो आपकी प्रोफाइल में उनको इंटरेस्ट है और उनको 10 बंदे चाहिए, ठीक है, और प्रोफाइल में आप ही के स्किल में 12 बंदे और हैं, तो वो किन 10 को उठाएंगे जिनकी स्कोर ज्यादा होगी। मान लो 340 आपकी स्कोर है और आपसे 8 बंदे और हैं जिनकी स्कोर 350 है, तो पहले वो उनको उठाएंगे, और जो आपसे कम स्कोर वाला होगा उसकी बारी आपसे बाद आएगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए अगर आप कनाडा जाने का सपना देख रहे हो। ठीक है, किसी भी क्लिकबेट वीडियो से या एजेंट से झूठे सपने मत देखा कीजिए। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कितना खर्चा है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। फिर भी कन्फ्यूज हो हमें रीच करो, फ्री में आपको असेस करके देंगे, आपकी प्रोफाइल बताएंगे आपका होना है कि नहीं होना, अगर होना है तो कौन सी प्रोविंस में होना है। ठीक है, इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए भी आप हमें रीच कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं, होगा तभी करेंगे नहीं तो मना कर देंगे, और नॉमिनल सी प्राइस के साथ हम आपका काम करेंगे। ठीक है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। ठीक है, शेयर कीजिए और लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, एंड आई अप्रिशिएट जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।